ये है पाटन का शिव मंदिर, जब बारिश होता है ना तब इसके ऊपर से पानी आता है यार, ये पूरे जितना भी ना उसके ऊपर से इस पार पानी आता है, पूरा जाता है। ये देख सकते हैं हम जो है पाटन के शिव मंदिर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पानी का लेवल यहाँ पर ऊपर होता है बारिश में, तो सीढ़ियों से कुछ जो है मंजिल पानी वहाँ तक रुक जाती है, क्योंकि मैंने बारिश में भी यहाँ पर देखा है। कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये पाटन का ये टोलाघाट मंदिर, एक नंबर। बरसात में कुछ अलग ही चेंज हो जाता है गाइस यहाँ पे। और एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ लक्ष्मण झूला बनेगा गाइस, एक नंबर लगेगा। ये बीच से जाएंगे। हाँ यार, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इससे पहला वाला जो वीडियो नहीं देखा है राइड का पाटन सिटी तक का भिलाई से, तो ज़रूर ज़रूर देख लेना, ये होने वाला है पार्ट टू। तो चलते हैं, यहाँ से टोलाघाट जा रहे थे हम लोग, इस वीडियो में हम लोग जाएंगे टोलाघाट और वहाँ पर देखते हैं कि पानी है कि नहीं, होगा तो नहाएंगे, नहीं होगा तो देखेंगे। तू बना नहीं होगा तो देखेंगे। चलो यहाँ सीधा सीधा जाना है, और पिछली वाली वीडियो में फुल रोड रेस करके, फुल रेस उस करके, फुल मस्ती करते हुए हम लोग आए थे। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके चैनल में एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा लिंक को। और आप राइट साइड में देख सकते हो आ चुका है हमारा पाटन का टोलाघाट, यानी शिव मंदिर टोलाघाट का। देख सकते हो पानी है कि नहीं, पहले देखते गाइस। पानी तो है, नहाने लायक तो है। ओ माँ को टक्कर है यहाँ पे। ये देखो क्या दिख रहा है यार, देखो ये देखो, ये है पाटन का शिव मंदिर। जब बारिश होता है ना तब इसके ऊपर से पानी आता है यार, ये पूरे जितना भी ना उसके ऊपर से इस पार पानी आता है, पूरा जाता है। और ये वाला वही खारून नदी है जो कि रायपुर जाते टाइम आप लोगों ने, आप लोग देखते होंगे। ये है अपना पाटन का शिव मंदिर। अब यहाँ जो है नीचे उतारेंगे, चलो टोलाघाट शिव मंदिर। अपन भी इधर से नहीं जाएंगे क्या? हम लोग जो है गाड़ी लगाएंगे ऐसे करके। ये देखो हम लोग तो इधर नहाने के लिए देखते हैं, ये देख सकते हो वो है शिव मंदिर वहाँ पे, ये है पाटन के इधर टोलाघाट। यहाँ पर गहरा भी है, आगे जाएंगे तो नहाने के लिए भी अच्छा लगेगा। एक तो यार इस साइड जा रहा हूँ मैं। हाँ भाई ए ले, देखो यहाँ पर जो है पानी रुका है ज़्यादा, और यहाँ पर देख सकते हो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। वो देखो बाकी लोग भी देख सकते हो आगे वहाँ से, और ये मंदिर है सामने में। चलो देखते हैं। देखो गाइस, हाँ बन रहा है, चालू है, है? चालू है गाइस, आप देख सकते हो कि हम पाटन आ चुके हैं और ये मंदिर है। हाँ, और ये देख सकते हैं हम जो है पाटन के शिव मंदिर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ से कुछ ऊपर ही रहता है, जबकि पानी का लेवल यहाँ पर ऊपर होता है बारिश में, तो सीढ़ियों से कुछ जो है मंजिल पानी वहाँ तक रुक जाती है, क्योंकि मैंने बारिश में भी यहाँ पर देखा है। बहुत ही ज़्यादा भीषण और बहुत ही ज़्यादा तबाही वाली यहाँ से बाढ़ जाती रहती है गाइस यहाँ से, तो कभी कभार कुछ कुछ बह के भी आ जाता है। तो अभी चलते ऊपर में आपको दर्शन करवाते हैं भगवान के। चलो 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 चलो, ये देख सकते हो एक नंबर। यहाँ माता दुर्गा जी की वो है मूर्ति है, जय माता दी। और यहाँ से आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा है, और ये गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है। साथ ही में देख सकते हो कितना खूबसूरत और ठंडा ठंडा हवा जो यहाँ पर चल रहा है। इस तरफ जो है राम जान की दरबार है। ऊपर जा सकते क्या अंकल? इधर से जा सकते हैं अंकल ने जो है कहा। ये देखो हम जो है ऊपर आ चुके हैं, बाकी लोग देख सकते हो वहां से आ रहे हैं। ओए वो देखो लोग भी आ रहे हैं वहां से, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का है मंदिर। इस तरफ भी मंदिर बने हुए हैं, देखो जय श्री राम। अब जो है इसको हटा के शायद तक ये यहाँ पर रखाएंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही सोच रहा हूँ मैं। ये देख सकते हो यहाँ पर भी भगवान है, देवता मन है सब, और यहाँ से देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये पाटन का ये टोलाघाट मंदिर, एक नंबर।
बरसात में कुछ अलग ही चेंज हो जाता है गाइस, यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पर सीन दिखाई देता है बरसात में। अगर आप कभी आओगे तो देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है यार ये। और हमारी बाइक्स वहाँ पर खड़ी है, ये देख सकते हैं, लोगों को नीचे में मस्ती कर रहे हैं। हर हर महादेव कमेंट में लिख देना, अब हम यहाँ से चलते हैं। चलिए, बाकी लोग जो है अब आ रहे ऊपर, टॉप जाना टॉप पे। हाँ, सामने देख सकते हो नंदी जी है यहाँ पे। देख सकते हो नंदी जी यहाँ पर विराजमान है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं जो है यहाँ से आपको पीछे का पूरा मंदिर का व्यू और यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। हेलमेट जो है मैंने उतारा नहीं है और यहीं पर लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, नंदी जी ये देख सकते हो, ये मंदिर है और ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ लक्ष्मण झूला बनेगा गाइस, एक नंबर लगेगा। ये बीच से जाएंगे, आओ, ये बीच से जाने का रास्ता बनेगा ना लक्ष्मण झूला। नहाने हैं, बना रहे उन लोग गाड़ियों को पूरा दिखाना फिर जो ब्लॉक है। हो, मालिक ने बोल दिया काम हो जाएगा। तो यार आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अपन चलते हैं अभी घर की ओर, तब तक के लिए बाय।